सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन यही कहूंगा भाई, ये खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपनी बहन का ख्याल रखो, और आज अच्छे अच्छे उसको गिफ्ट लेके देना भाई। और जो एक रिश्ता होता है भाई बहन का, भाई बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं, पर फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। काश मैं भी आज इंडिया में होता, कोई नहीं, अगली बार ही सही। व्हाट्सअप दिलजरा, मेरा नाम गुरमीत और आप देख रहे हैं गुरमीत हरियाणा। तो भाई ये टाइम हो गया दोपहर के 1:30 बज गए, और जो आज का मौसम है भाई काफी अच्छा मौसम है, अच्छी धूप निकली है। वैसे पिछले 3 दिन से रात के टाइम पे काफी सर्दी हो रही है, जैकेट लेके चलना पड़ता है। अब की बार विंटर भाई टाइम से पहले ही आ गया, तो वैसे अच्छा मौसम, इस करके मैंने बनियान डाला हुआ है। तो भाई जो आज की वीडियो होगी वो मेरे घर के बारे में होगी। आप में से काफी सारे लोगों ने मैसेज किए यार, कमेंट भी करते हो भाई अपने घर दिखाओ, अपने हाउस का टूर दो घर। तो आज की जो वीडियो मेरे घर के ऊपर बनाते हैं आप लोगों में, पूरे घर का टूर दूंगा। और देखो भाई सिंपल सा घर है, जैसा नॉर्मल घर होता है, जैसे आपका घर ऐसा ही मेरा घर है भाई, कोई मतलब हाई फाई लेवल का घर नहीं है। और जो इसका घर का रेंट है मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बताऊंगा। भाई एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं पहले घर के बारे में। घर में 2 कमरे हैं, एक सिंगल बेडरूम है और एक डबल बेडरूम है। सिंगल बेडरूम भाई मेरा है, वो छोटा कमरा है, और जो डबल बेडरूम है उसमें मेरा दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड और उनका बेटा रहता है। अभी करते हैं घर का टूर शुरू, और सबसे पहले मैं आप लोगों को भी बाहर लेके जाऊंगा, बाहर मतलब अपनी कॉलोनी दिखाऊंगा जहां पे मैं रहता हूँ, और वहां से फिर पूरा अंदर मतलब दरवाजे से लेके पिछले दरवाजे तक आपको फिर मैं पूरे घर का टूर देता हूँ। तो चलो फिर। अभी हम आ गए अपने घर के बाहर, और ये भाई अपनी पूरी कॉलोनी, ये अपनी स्टेट जहाँ पे मैं रहता हूँ, काफी अच्छी स्टेट है भाई। और जो यहाँ पे घर है भाई डबल घर है, मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, और आप इनको फ्लैट टाइप बोल सकते हैं, मतलब फ्लैट है। और ये सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई, मतलब हर घर के आगे पार्किंग की जगह है। घर है वो नीचे वाली साइड में आके है, ऊपर किसी और का घर है, और यहाँ से अपना घर फिर स्टार्ट होता है, यहाँ से होता है अपना घर शुरू। ये घर का दरवाजा, और ये यहाँ पे घंटी लगी हुई है, घंटी बजाते हैं भाई। आ जाए भाई अंदर, चलो फिर। तो जो सबसे पहली चीज आती है घर में भाई वो है ये शूज रैक रखा हुआ है यहाँ पे, इसमें जूते रखते हैं। ये 3 डोर है, इसमें इनमें सब में जूते रखे हैं। और जो ये साइड में है ये उस बच्चे का शूज रैक, इसमें उस छोटे बच्चे के जूते रखे हुए हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, और ये पूरा का पूरा भाई यहाँ पे सीटिंग रूम है, ये देखो। नॉर्मली भाई हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग यहीं से करता हूँ, सीटिंग रूम से। ये देखो मेरे पीछे ये विंडो, यहाँ से बाहर से लाइट आती है तो जिससे मतलब सही दिख जाता हूँ आप लोगों को। अगर ऐसे खड़ा होऊंगा तो भाई सारा का सारा ब्लैक दिखेगा आप लोगों को, कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये है आपका सीटिंग रूम, यहाँ पे ये कुर्सी रखी हुई है, सोफा, वो वहाँ पे फ्रीजर रखा हुआ है, वो वहाँ पे किचन आपका, वो पीछे कमरों की तरफ जाता है रास्ता, वहाँ पे एक और सोफा रखा हुआ है भाई। और ये यहाँ पे बैठ के हम खाना खाते हैं, पर अभी यहाँ पे वो बच्चा सुबह सुबह कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहा था, तो इस करके यहाँ पे कलर्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये भाई यहाँ पे टीवी रखा हुआ है, ये स्पीकर्स रखे हुए हैं, और ये यहाँ पे मैं हूँ भाई, और नीचे इसके थोड़ी जगह है, यहाँ पे उसका लड़की का मेकअप वगैरह का सामान, परफ्यूम्स वगैरह, बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। और ये भाई सामने अच्छी सी ड्राइंग बना रखी है, और ये छोटे बच्चे के खेलने के लिए भाई, इसको क्या कहते हैं मेरे ख्याल से SV, पता नहीं कुछ ऐसा ही बोलते हैं। और ये सामने भाई अच्छी सी पेंटिंग लगी हुई है, यहाँ पे फ्रीजर है, यहाँ पे छोटा फ्रीजर है, और ये कोर्स इससे यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे भाई फिश टैंक है, ये बच्चों के, उस बच्चे के खिलौनों के लिए जहाँ पे उसके रखे हुए खिलौने। और ये आ गया भाई अपना किचन, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये भाई किचन में ऊपर मतलब सामान रखने के लिए दिए हुए हैं, इनमें सब में सामान रखा हुआ है, जैसे फूड वगैरह रखने के लिए, ये भाई आपका प्लेट्स वगैरह के लिए, और ये भाई गैस है अपनी, यहाँ पे प्लेट वाली गैस है, काफ़ी ओल्ड स्टाइल है पर अच्छी काम करती है। ये माइक्रोवेव रखा हुआ है भाई, और नीचे ये ओवन है, और यहाँ पे भाई एक्स्ट्रा हम सामान रखते हैं जो मतलब साफ़ सफाई का सामान होता है। और ये भाई बर्तन साफ करने के लिए है, ये आपकी यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, और ये आपका फ्रिज है, ये देखो भाई। तो भाई अभी हम चलते हैं कमरों की तरफ, चलो फिर इसको यहां से रिवर्स करते हैं अभी, चलो भाई रिवर्स चल।
ये भाई पीछे आ गए कमरे अपने यहाँ से। ये भाई इसको मैं रख देता हूँ कहीं टूटी ना जाइए। हम यहाँ से जाते हैं अंदर और यहाँ पे एक और शीशा लगा हुआ है भाई, घर में शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। तो ये है बाथरूम, ये यहाँ पे शावर लगा हुआ भाई, और ये यहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए जगह है, और यहाँ पे एक और शीशा लगा हुआ भाई, एक और शीशा, शीशे ही शीशे लगा रखे हैं भाई घर में। और अभी चलते हैं मेरे रूम की तरफ। जा सेम सेम, ये आगे भाई अपने कमरे के अंदर, इसको बंद कर देते हैं दरवाजे को। और यहाँ से अपना कमरा स्टार्ट होता है भाई, उस साइड से। ये साइड में अलमारी रखी है, कोई काफ़ी बड़ा रूम नहीं है भाई, छोटा सा कमरा है। और ये यहाँ पे भाई फ्लाई मिराज की टी शर्ट लगी हुई है, यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है, एक और पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है, एक और छोटी पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है। और ये भाई पीछे खिड़की है, और ये अपना भाई बेड है। और यहाँ पे साइड में भाई स्टिकर मैंने लगाया हुआ, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट वॉल्ट डिज़्नी। और यहाँ पे एक और 3D स्टिकर लगाया हुआ है यहाँ पे। और ये भाई नीचे अपना टेबल है, जहाँ पे थोड़ा बहुत काम वगैरह करता हूँ मैं। ये अपना स्टैंड है, एक और अपना ट्राईपोड रखा हुआ, अपना लैपटॉप रखा हुआ टूटा हुआ। और ये भाई पानी की बोतल, पानी भाई मैं बहुत पीता हूँ पानी, आप लोग भी बहुत पिया करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये अपना यहाँ पे गिम्बल रखा हुआ है भाई, और ये यहाँ पे अपनी चेयर बैठने के लिए सोफा। वैसे पिछली वीडियोस में कमरा देखा ही होगा, जब मैंने इस कमरे को जो पेंट मैंने किया हुआ कमरे में, ये सारा मैंने खुद किया था भाई, कमरे को मैंने रीडेकोरेट किया था। पहले ये कमरा जैसा अभी है ऐसा नहीं दिखता था, ये टोटली डिफरेंट दिखता था। यहाँ पे पहले कोई और रहता था इस कमरे में, और इस कमरे की हालत भाई बहुत खराब की हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा पेंट किया पूरा कमरे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेक श्योर आप वो वीडियो चेक करें भाई, बहुत मजा आएगा आप लोगों को वो वीडियो देख के। और ये भाई यहाँ पे अपना बेड है, और सुबह सुबह जब उठता हूँ भाई खिड़की खोल के जो सामने का जो व्यू है ना, बहुत अच्छा व्यू, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ व्यू बाहर का। मैं अभी आप लोगों को बाहर भी लेके जाऊंगा। तो ये तो था भाइयों मेरे कमरे का टूर, ये देख लो एक बार। और अभी हम चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। ये दूसरा रूम है भाई यहाँ पे, ये काफी बड़ा रूम है, डबल बेडरूम है ये। और यहाँ पे छोटा बेड लगा हुआ छोटे बच्चे के लिए, और ये डबल बेड है भाई। और देख लो भाई यही कमरा है ये तो। और यहाँ पे डबल अलमारी है भाई। और यहाँ से पीछे जाने का रास्ता, मेरे कमरे से पीछे जाने का रास्ता नहीं है, वो खिड़की से है, मैं खिड़की से कूद जाता हूँ बाहर जब मुझे जाना होता है। पर यहाँ से प्रॉपर यहाँ पे रास्ता बनाया हुआ है पीछे जाने का। अगर हम अभी बाहर वाली साइड से देखेंगे भाई, ये मेरे कमरे की विंडो है, ये देखो ये है अपना कमरा अंदर यहाँ पे। और ये डबल बेडरूम वाला कमरा है, यहाँ से पूरा दरवाजा है। और जो पीछे का व्यू है भाई, वो बहुत ही अच्छा व्यू है घर के पीछे का, काफ़ी अच्छा पार्क टाइप बनाया हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी हरियाली है। और इस साइड वाले ने ये कपड़े सुखाने के लिए लगाए हुए हैं तार यहाँ पे। जब भी कभी बोर होता हूँ तो मैं कहीं बाहर वगैरह कम ही जाता हूँ, मैं नॉर्मली मैं घर के पीछे ही आ जाता हूँ, यहाँ पे बैठ जाता हूँ, इनको पेड़ पौधों को देख लेता हूँ भाई, पक्षियों को देख लेता हूँ यहाँ पे। और ये देखो भाई व्यू है ना, जो एक नंबर का व्यू है भाई, गजब व्यू बिल्कुल। यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम पास हो जाता है। और गर्मियों में या सर्दियों में, जैसे अभी गर्मियाँ हैं, हम कई बार क्या करते हैं, अपनी जो चेयर वगैरह होती हैं अंदर से वो यहाँ पे ले आते हैं, फूड वगैरह बना के यहाँ पे बैठ के खाते हैं पीछे। सर्दियों में आग वगैरह जला के यहाँ पे बैठ जाते हैं, मतलब भाई काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। तो अभी आ गया हूँ भाई मैं अपनी लोकेशन पे वापस, जहाँ पे मैं नॉर्मली बैठ के वीडियो बनाता हूँ। बाहर थोड़ी हवा चलने लग गई थी तो मैं यहीं पे बैठ के वीडियो को एंड करते हैं। तो भाई जो घर का रेंट है वो है 1350 यूरो, 1350 यूरो महीने का पूरे घर का रेंट है, और उसमें बिजली और आपका वाईफाई अलग से है। तो मतलब सारा कुछ अगर आप टोटल मिलाते हो महीने का, तो आपको 1500 यूरो रेंट पड़ता है महीने का। 1500 यूरो में से मैं भरता हूँ भाई 650 यूरो महीने के, बिजली का बिल वगैरह मिला के, वाईफाई मिला के, सब मिला के। और जो बाकी है बचते 850 यूरो हैं, वो मेरा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड भरते हैं भाई, क्योंकि वो एक ही कमरे में रहते हैं और मुझे अकेले को कमरा दिया हुआ है, तो इसलिए मैं 650 यूरो भरता हूँ। मतलब सब कुछ टोटल मिला करके अगर आप 650 यूरो को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो भाई ये काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये आपके बनते हैं 52,000 रुपये महीने के। तो भाई देखो यहाँ पे काफी खर्चा भी होता है, ऐसे नहीं भाई बंदा कमाता कमाता, यहाँ पे खर्चा भी काफी होता है। और सभी घरों का देखो भाई रेंट इतना नहीं होता, सबका अलग अलग रेंट होता है। जब मैं शुरू शुरू में आया था भाई आज से 5 साल पहले, उस टाइम हम घर में 7-8 लड़के रहते थे, और जो घर का किराया था भाई टोटल पूरे घर का किराया
€500 था उस टाइम। मैं लिमरिक में रहता था, वहां पे घर काफी सस्ते थे, अभी भी सस्ते हैं वहां पे। और उस टाइम भाई हिस्से में 60-70 यूरो महीने का हिस्से में आता था, काफी अच्छा टाइम था भाई। पर उस टाइम अच्छी जॉब नहीं थी। वैसे भाई टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपकी जॉब बढ़ती जाती है, तो ऐसे ऐसे फिर आपको दूसरी जगह पे एडजस्ट होना पड़ता है भाई, दूसरी जगह पे मूव होना पड़ता है, और फिर रेंट भी भाई आपको ऊपर जाता है। मैं तो यही कहूंगा भाई, शुरू शुरू में आपको इतना महंगा घर लेने की जरूरत नहीं है, अपना यार दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर दो लड़कों के साथ भी शेयर करना पड़े तो भाई बिल्कुल करो, जितना कम से कम किराया हो सके उतना कम से कम किराया दो भाई। पर अगर आप प्राइवेसी वगैरह में ज्यादा बिलीव करते हो, भाई मुझे तो प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेट लाइफ है मेरी, तो भाई फिर अपना ले लो भाई। भाई ये था अपना घर। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। तो गाइस थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।